हेलो गाइस, आपका भी यूट्यूब पे एक शॉर्ट्स का चैनल है, शॉर्ट्स वीडियो बना के अपलोड करते हो तो वीडियो देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाला है। जैसे कि कुछ दिन पहले यूट्यूब की तरफ से एक नया अपडेट आया था, यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया जाता है उस शॉर्ट वीडियो पे अब आप थंबनेल नहीं लगा सकते हो। लेकिन आज के वीडियो में बताने वाला हूं आप अपने शॉर्ट्स वीडियो पे किस तरीके से HD क्वालिटी में थंबनेल लगा सकते हो। जी हाँ, पूरा वीडियो देखते रहिए। आज के वीडियो में बताने वाला हूं अपने शॉर्ट्स वीडियो पे किस तरीके से आप थंबनेल लगा सकते हो। तो हमारे बाजू में एक स्क्रीन शो होने वाला है, तो चलो सबसे पहले हम अपने फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पे ऑन कर लेते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं कि शॉर्ट वीडियो पे किस तरीके से थंबनेल लगाया जाता है। तो चलो सबसे पहले हम अपने फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पे हम ऑन कर लेते हैं। तो देख सकते हो हमारे बाजू में एक स्क्रीन शो हो रहा है आपको। तो पहले हम स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लिए, उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कोई भी एक ब्राउज़र इस्तेमाल करना होगा आपको। तो चलो हम पहले यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आसानी से गूगल क्रोम ब्राउज़र को जैसे आप यहाँ पे ओपन करते हो, तो ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे देखिए, तो सर्च बार में सिंपली सी आपको करना क्या है, यूट्यूब, यहाँ पे देख सकते हो YouTube.com लिख के सर्च कर देना होगा। जैसे YouTube.com लिख के आप सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अभी आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करके अगर नीचे की तरफ आओगे तो डेस्कटॉप साइड पे आपको क्लिक कर देना है। डेस्कटॉप साइड पे क्लिक करने से होता क्या है, एक कंप्यूटर के जैसे आपके फ़ोन में आपके मोबाइल में हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जिस चाहे आपका एक YouTube चैनल है या दो है, जो भी चैनल पे आप करना चाहते हो, जिस मोबाइल जिस चैनल पे आपका वीडियो, उस थंबनेल के ऊपर में अगर आप थंबनेल लगाना चाहते हो उस वीडियो के ऊपर में, तो उस चैनल को यहाँ पे लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए चैनल का एरो आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा, तो एरो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एरो पे क्लिक करने के बाद जैसे एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए योर चैनल पे आपको क्लिक कर देना है। ऊपर की तरफ योर चैनल का ऑप्शन मिल जाता है आपको। तो यहाँ पे आपको करना क्या, योर चैनल पे जैसे आप क्लिक करोगे, देखिए तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे 10 से 15 सेकंड का प्रोसेस लेता है, सर्चिंग प्रोसेस लेता है। सर्चिंग प्रोसेस लेने के बाद आपके सामने आपके मोबाइल में पूरा आपका जो यूट्यूब चैनल का प्रोफाइल पूरा खुल के आ जाएगा। जैसे आपके सामने पूरा प्रोफाइल खुल के आता है, यहाँ पे 2-4 सेकंड या 10 सेकंड का प्रोसेसिंग लग जाता है, सर्चिंग प्रोसेस में टाइम लग जाता है यहाँ पे। तो आपका 10 से 15 सेकंड यहाँ पे वेट करना है आपको। वेट करने के बाद जैसे यहाँ पे खुलता है, अगर आपका नेट बहुत ही फास्ट है तो इतना वेट भी नहीं करना पड़ता। खुलने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है आपके सामने। तो यहाँ पे करना आपको प्रोफाइल के सामने में देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, दूसरे ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे यहाँ पे दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करते हो यहाँ पे, तो आपके YouTube चैनल पे जितना भी आपका वीडियो, जो भी वीडियो अपलोड किए हो, चाहे शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो या लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हो, तो पूरा वीडियो आपके सामने यहाँ पे आ जाता है। तो अभी आपको ये चीज़ देखना कि अभी आपको शॉर्ट वीडियो पे थंबनेल लगाना है या लॉन्ग वीडियो पे। अगर शॉर्ट वीडियो पे आपको लगाना है तो शॉर्ट वीडियो यहाँ पे आ जाता है। इस शॉर्ट वीडियो पे आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप शॉर्ट वीडियो पे एक बार क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, 2-4 सेकंड का यहाँ पे सर्चिंग प्रोसेस लेता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका शॉर्ट वीडियो यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन आ जाता है, एडिट पेंसिल का ऑप्शन आ जाता है। पेंसिल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप पेंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है, थंबनेल का ऑप्शन आ जाता है। आपके शॉर्ट्स वीडियो में अगर थंबनेल लगाना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे थंबनेल का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे देखिए थंबनेल का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप थंबनेल बना के पहले से रखे हो तो यहाँ पे देखिए इमेज का ऑप्शन आ जाता है, इमेज पे आपको क्लिक कर देना है। और इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कोई भी एक थंबनेल यहाँ से डन कर देना है। यहाँ पे देखिए हमारा शॉर्ट वीडियो के ऊपर में थंबनेल लग चुका है। उसके बाद यहाँ के सेव के ऑप्शन पे, यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो, आपके शॉर्ट्स वीडियो के ऊपर में थंबनेल लग चुका है। देख सकते हो कुछ सर्चिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो हमारे शॉर्ट्स वीडियो के ऊपर में थंबनेल लग चुका है। तो यहाँ पे आपको जो भी आप थंबनेल लगाना चाहते हो, चाहे आप थंबनेल नहीं लगाना चाहते हो, आपके वीडियो के कोई भी पोर्शन या वीडियो को बीच में जो भी रहता है उसको अगर थंबनेल के ऊपर में आप डालना चाहते हो तो वो भी यहाँ से आप डाल सकते हो, देख सकते हो यहाँ से। और थंबनेल लगाना चाहते हो तो इमेज पे क्लिक करके यहाँ से जो भी आप थंबनेल बना के रखे हो आप अपने स्मार्टफोन में, तो यहाँ से आप अपने वीडियो के ऊपर में, शॉर्ट वीडियो के ऊपर में थंबनेल भी लगा सकते हो। लगाने के बाद ऊपर में देखिए सिंपली सा ऑप्शन आ जाता है, सेव का ऑप्शन आ जाता है। सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव के ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक से आपके YouTube जो शॉर्ट्स वीडियो के ऊपर में जो थंबनेल लगाना चाहते हो वो थंबनेल ऑटोमेटिक से यहाँ पे देख सकते हो सेट हो जाता है।
तो शॉर्ट्स वीडियो के ऊपर में इस तरीके से थंबनेल लगाया जाता है। अगर आप लोग भी अगर लगाना चाहते हो तो इस तरीके से आप अपने शॉर्ट्स वीडियो के ऊपर में थंबनेल लगा सकते हो, वो भी आसानी तरीके से। तो उम्मीद है आप लोग को छोटी सी जानकारी अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना। इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पर सेट कर देना। जब भी मैं मोबाइल से रिलेटिव और यूट्यूब से रिलेटिव वीडियो बनाऊँ, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है।